गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ बजाज फाइनेंस की तरफ से। बजाज फाइनेंस ऑटो लोन जिन किसी का भी है, तो अभी अपडेट आया है अगस्त तक मॉनेटोरियम का। अगस्त तक आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, आपका सीधा ईएमआई कटेगा सितंबर महीने में। तो 3 महीने का मॉनेटोरियम बढ़ चुका है। तो अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो के माध्यम से आप कर लीजिए। बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरह आपको मॉनेटोरियम लेना है, जो कि आपको 3 महीने का छूट मिले और 3 महीना अगस्त तक का छूट मिले और अगस्त के बाद सेप्टेम्बर महीने में आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ, ओनली फॉर बजाज ईएमआई ऑटो लोन। हाँ, ऑटो लोन के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो बजाज का एक्स्ट्रा लोन है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, ओनली फॉर ऑटो लोन, बजाज ऑटो लोन के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूँ, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है BAFL। प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो BAFL ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा आपको पेज ओपन होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में आपका नंबर डालना है, जो आपने बजाज के लोन लेते समय आपने नंबर डाला था इस तरह। उसके बाद आपको करना है गेट जर्नल OTP, OTP पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक एक मैसेज आएगा, वो मैसेज को ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देखिए अभी ऑटोमेटिक मैसेज आएगा, ये मैसेज फिल हो गया, उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा, जिसके मैं बता दूँ, पेज ओपन होने के बाद आपको जाना है होम पेज पे। ये देखिए अभी मेरा ये पेज ओपन हो रहा है, लेकिन आपको जाना है होम पेज पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है होम, HOME होम, जिसे मैं बताता हूँ आपको, ये होम पेज पे आपको आना है, ये होम पेज पे आपको आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा EMI मॉनेटोरियम, सामने दिख रहा होगा, क्लिक करने के लिए आ रही है EMI मॉनेटोरियम, उसे आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा इस तरह, ये पेज ओपन हो गया। आपको ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे आपको दिख रहा होगा राइस मॉनेटोरियम रिक्वेस्ट, मतलब आप मॉनेटोरियम के लिए यहाँ से इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जैसे कि आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा इस तरह। अब यहाँ पे आपको लोन नंबर डालना है, जो कि बजाज का जो आपका लोन नंबर है वो नंबर डालना है, जो आपके ऑटो रिक्शा का लोन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए इस तरह आप बजाज का लोन नंबर डालने के बाद, इसे मैं अपना लोन नंबर डाल रहा हूँ, देखिए इस प्रकार का आपका लोन नंबर रहेगा, जो कि बजाज ऑटो रिक्शा का लोन नंबर मिलता है। आपको नहीं पता है तो आप ये BAFL ऐप में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, BAFL ऐप जो डाउनलोड करना है, BAFL, ठीक है। तो ये लोन नंबर डालने के बाद आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना है, जो सबमिट दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक अनदर नया पेज ओपन होगा इस तरह, देखिए अब यहाँ पर एक ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी डाल लिया, अब मैं ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद, जैसे मेरा ओटीपी आया, ओटीपी डालने के बाद मुझे कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जब हम क्लिक कर देंगे तो समझिए कि 75% प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना, तीनों पे टिक कर देना है, ठीक है। तीनों पे आपको टिक मार देना है, जैसे देखिए इस प्रकार का टिक आपको करना है, सब पे क्लिक करके टिक कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद टिक करने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको मैं, ये सबमिट है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का आपको मैसेज आएगा, कन्फर्मेशन लिखा होगा, योर रिक्वेस्ट ऑफ द मॉनेटोरियम फॉर द लोन नंबर हैज बीन सबमिट, मतलब क्या है, आपका लोन
जो आपने रिक्वेस्ट डाला है 3 महीना मॉनिटोरियम के लिए, वो सक्सेसफुल आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ देर का इंतज़ार करना है। आपके मोबाइल पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, वो कन्फर्मेशन मैसेज मतलब आप समझ लीजिए आपका 100% आपका मॉनिटोरियम हो गया है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ में। बाय बाय।